हेलो, आई एम हरिओम सर। वेलकम ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल हरिओम सर केमिस्ट्री टिप्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पर डे अपने चैनल पर केमिस्ट्री से रिलेटेड न्यू वीडियो रिलीज करते हैं। अब तक मैं लगभग 40 वीडियो रिलीज कर चुका हूं और बहुत अच्छा लगता है कि पर डे 1, 2 और 3 सब्सक्राइब इस चैनल पर बढ़ रहे हैं और सभी सब्सक्राइब का वेरी वेरी थैंक्स। साथ में मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को देखकर प्लीज लाइक अवश्य करें, दूसरा है उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। दूसरा, आप यदि इस पॉइंट को समझते हैं कि ये वीडियो किसी भी स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो 12th एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, 10th एग्जाम की तैयारी कर रहा हो या किसी कंपटीशन विशेष रिलेटेड हो, फॉर एग्जाम्पल नीट और IIT, तो बहुत कुछ गाइडलाइन ये वीडियो उसकी हेल्प करेगी, गाइडलाइन देने में हेल्प करेंगी। तो मेरा सिस्टम ये है कि आप इसे थोड़ा समझें तो उनके साथ भी शेयर करें। हमने जैसे बताया था कि अब तक हमने जो 40 वीडियो केमिस्ट्री से रिलेटेड दी, मैं आज इन पर 2 या 3 मिनट बातें करूंगा जिससे आपको इन वीडियो का इंपोर्टेंस नजर आ जाए। हमने पीरियोडिक टेबल को ड्रॉ करना स्टार्टिंग, पीरियड टेबल में आने वाले एलिमेंट्स को लर्न करना बाय द इजी मेथड और फॉर्मूला मेकिंग एंड जस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बाय द इजी मेथड्स, ये हमने वीडियो रिलीज की है। ऑर्गेनिक में ऑर्गेनिक IPCC से रिलेटेड और कोऑर्डिनेशन IVPC रिलेटेड, कहीं ना कहीं यदि हम 40 वीडियो का एक समरी तैयार करें तो ये हमारी केमिस्ट्री को क्या बनाते हैं, ये हमारी केमिस्ट्री को एक बहुत अच्छी पाथ देते हैं, इसका आप विशेष ध्यान रखें। हमारे केमिस्ट्री का वो प्लेग्राउंड तैयार करते हैं जहां हमारी टीम अच्छी तरह से गेम खेल सकती है। स्टार्टिंग में हमने बताया था कि हम केमिस्ट्री का एक प्लेग्राउंड तैयार कर रहे हैं, इसके लिए हम 30 से 40 वीडियो सेंड करेंगे और अब प्लेग्राउंड तैयार हो चुका है। तो हमने बताया आज हम वीडियो का पार्ट 1 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टोटल कंसेप्ट हम 5 to 7 आवर में कंप्लीट करा देंगे। हम स्मॉल स्मॉल सेगमेंट में डिवाइड करके इसकी स्टडी कराएंगे जिससे आपको इजी लगे और आप अच्छी तरह से इसे तैयार कर सके। हम यहाँ हेलो एल्केन से स्टार्ट करेंगे, यानी क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो कंसेप्ट है वो 5 to 7 आवर में आपकी कंप्लीट हो जाएगी और कोशिश करेंगे इससे भी कम टाइम में तैयार। तो हम स्टार्ट करते हैं। हेलो एल्केन एंड हेलो एलिन्स, हमने आपको बताया था कि हम वीक में एक दिन स्पेशल ट्रिक की वीडियो दिया करेंगे। अब तक जो चल रही थी, हर वीडियो में कंसेप्ट थी, हर ट्रिक थी। अब जो हम दे रहे हैं मंडे टू सैटरडे जो आपकी वीडियो आया करेगी वो क्या हुआ करेगी, वो केवल इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड। संडे को जो वीडियो हम रिलीज करेंगे पर संडे को, वो क्या होगा, वो आपकी बहुत डीप कंसेप्ट और शॉर्ट ट्रिक के साथ हम देंगे। तो यहां हेलो एल्केन एंड हेलो एलिस, एक बात समझ लीजिए अच्छी तरह से। What is the hello alkene? What is the hello alkenes? देखिए नाम से स्पष्ट है, यदि हम एल्केन में
हेलो ग्रुप को अटैच करते हैं। हेलो, यदि हम एल्केन में हेलो ग्रुप को अटैच करते हैं तो यही आपका हेलो एल्केन बन जाता है। यार यही आपका क्या बन जाता है? हेलो एल्केन बन जाता है। और यही यदि एरो एल्केन की जगह पर हम एरोमेटिक ले लें और एरोमेटिक पर हेलो की रिएक्शन कराएं तो यही हमारे हेलो एरिन्स बन जाते हैं। अब आपकी समझ में आ गया होगा कि क्या हेलो एल्केन, क्या हेलो एरिन्स। हेलो एल्केन से हेलो एरिन्स, हेलो एल्केन या हेलो एरिन्स बनाना है तो उसमें एक आप बहुत शॉर्ट बेसिक कंसेप्ट याद रखिए। शॉर्ट बेसिक कंसेप्ट क्या है कि हम किससे प्राप्त कर रहे हैं, यानी वहां से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करना और उसकी जगह पर हेलो ग्रुप को अटैच करना, तो जो कंपाउंड फॉर्म्ड होगा वही आपका हेलो एल्केन कहलाएगा। बात समझ में आ गई? मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मान ली, सपोज कीजिए हमने यहां कोई CH3 CH2 CH3, दिस इज एल्केन। समझने के लिए मैं क्या करता हूं यहां पर कि इसको इस तरह से कर लेते हैं CH3 CH2 and the CH2 HS, और यहां पर कोई भी हेलोजन ग्रुप में सपोज करो CH2 हमने ले लिया। याद रखिए हेलोजन की बात आ रही है तो हेलोजन ग्रुप पीरियोडिक टेबल के 17 ग्रुप में चले जाएं। वहां हमने आपको बहुत इजी ट्रिक बताई थी, फलकल ब्रिटेन से इंडिया आते हैं, फलकल ब्रिटेन से इंडिया आते हैं, उस कंसेप्ट के थ्रू आप ऑल हेलोजन एलिमेंट्स को लर्न कर सकते हैं। तो देखिए यहां ने ये माना तो ये हाइड्रोजन को यहां से रिप्लेस कर देगा और हमारे पास CH3 CH2 CH2 CH और प्लस HCl, दिस इज हेलो एल्केन। और इसी की जगह आप कोई कंपाउंड ले लेते हैं, सपोज करो मैं यहां पर एक बेंजीन रिंग ले लेता हूं और इस पर Cl2 को रिएक्ट कराता हूं तो Cl2 इस पर अटैक करेगी इस तरह से और यहां Cl अटैक टू HCl, दिस इज हेलो एरिन्स। देख लीजिए आप, यानी एनी हेलोजन ग्रुप अटैक द हेलो एल्केन इज कॉल्ड हेलो एल्केन एंड द एनी हेलोजन ग्रुप अटैक द एरोमेटिक कंपाउंड इज फॉर्मेशन इज कॉल्ड हेलो एरिन्स। पास क्लियर हो गई होगी कि हेलो एल्केन क्या है, हेलो एरिन्स क्या है, यानी द कॉम्बिनेशन ऑफ एल्केन प्लस हेलोजन इज कॉल्ड हेलो एल्केन एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ एरोमेटिक एंड हेलोजन इज कॉल्ड हेलो एरिन्स। बड़ी इजीली कंसेप्ट है, देख लीजिए। आप इधर ध्यान दें, समझ में आ गया ये कंसेप्ट। आगे हम कंटिन्यू करते हैं। और इसके पॉइंट तक जाने से पहले कुछ बेसिक पॉइंटों को हमें क्लियर करना पड़ता है, तो मैं कंटिन्यू कराऊंगा। टाइप्स ऑफ एल्किल हैलाइड, टाइप्स ऑफ एल्किल हैलाइड। देखिए एक बात विशेष तौर से ध्यान रखिए, CH3 कुछ पॉइंट थोड़ा सा हम प्री पॉइंट लेते हैं। हमने बोला CH4 दिस इज एल्केन, यानी कार्बन से अटैच इवन हाइड्रोजन इज कॉल्ड हेलो एल्केन, सॉरी एल्केन, और यदि कार्बन से अटैच और नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एल्किल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप। यानी यहां हम CH3 अटैच कर दें, दिस इज एल्काइल ग्रुप। वही केस हम यहां लिखवा रहे हैं, दिस इज एल्किल हैलाइड, एल्काइल। हमें समझना चाहिए सबसे पहले किसी पॉइंट को स्टार्ट करते हैं तो व्हाट इज द एल्किल हैलाइड। इस समय आपका सिलेबस स्टार्ट हो रहा है, ध्यान रखिए इन्हें हम कई पार्ट में डिवाइड करके इसको हम बनाएंगे।
आज हम पार्ट वन पढ़ा रहे हैं, टोटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीटेड 5 to 7 hours और डिवाइडेड बाई स्मॉल स्मॉल वीडियोस सेगमेंट्स। देखिए ये आपको हमें क्लास टाइप्स ऑफ एल्किल हैलाइड या हम कह सकते हैं इसे क्लासिफिकेशन, एल्किल को समझ में आ गया, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, इस तरह से भी हम इस वर्ड को बोल सकते हैं। तो देखिए हमने आपको कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टाइप्स ऑफ कार्बन बताए, 1 degree, 2 degree and 3 degree। कार्बन से अटैच हेलोजन ग्रुप होता है, देखा होगा आपने, तो हेलोजन ग्रुप्स जिस कार्बन से अटैच है, वो कार्बन कितने कार्बन से अटैच है उसी के बेस पर हम इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, सपोज करो मैंने एक एग्जाम्पल लिया CH3 CH2, और यहां हमने देखिए X इज द हेलोजन ग्रुप, FClBrI कोई भी हो सकता है इसमें FClBrI, तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर हमने X ग्रुप को अटैच कर दिया। X ग्रुप क्या है, इस कार्बन से अटैच है, देखिए आप, और ये कार्बन इस सिंगल कार्बन से अटैच है, इसीलिए इसको हम 1 degree एल्किल हैलाइड का नाम दे देंगे। देखिए 1 degree एल्किल हैलाइड, यही केस हम यहां ये करते हैं CH3C और इधर C2H5 एडजस्ट इज एक्स और विलेज के लिए, तो दिस कार्बन अटैच वाई 1 and 2 एक्स इज कॉल्ड 2 degree एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, एंड जस्ट CH3C C2H5 एंड CH3 एंड एक्स। देख लीजिए या और इसे फॉर्म में भी कर सकते हैं CH3CCX CH3C2H5, दिस इज 3 degree एल्किल हैलाइड। हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ 1 degree एल्किल हैलाइड एंड जस्ट 2 degree एल्किल हैलाइड, जस्ट 2 degree एल्किल हैलाइड एंड जस्ट 3 degree एल्किल हैलाइड, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एल्किल हैलाइड डिवाइडेड बाय 3, 1 degree 2 degree एंड 3 degree, यानी प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी। देख लीजिए अब यहां पर हम कुछ पॉइंट और बताना चाहते हैं आपको नॉलेज के लिए, जो बहुत जरूरी है। कुछ ग्रुप हैं उसके आधार पर एल्किल हैलाइड के ग्रुप, एल्किल के कुछ टाइप बताएंगे एल्किल हैलाइड के, तो आप देख सकते हैं मैं ग्रुप बोलता हूं आपके पास CH2 double bond CH और सिंगल बॉन्ड CH, ये ग्रुप हमने यहां बोल दिया ऐसे CH2 double bond CH और CH3। अब क्या है कि हम यहां कोई इस पर एक्स अटैच करेंगे तो यहां से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, पहले हम बता चुके हैं, यानी कि CH2 double bond CH और single bond CH2X, ये जो ग्रुप है CH2 double bond CH और CH2 से अटैच एक्स, ये ग्रुप आपका कहलाता है एलिलिक हैलाइड, एलिलिक हैलाइड ऐसे कह सकते हैं एलिलिक हैलाइड, यानी एलाइलिक ग्रुप है, जैसे एलाइलिक ग्रुप, ध्यान रखिए एलाइलिक ग्रुप से यदि हेलोजन ऐड है तो एलाइलिक हैलाइड, यदि CN अटैच है तो एलाइलिक साइनाइड के नाम से इसको हम जानते हैं। इसी प्रकार विनाइलिक ग्रुप होता है विनाइलिक हैलाइड, ध्यान रखिए विनाइलिक हैलाइड में क्या होता है, यहां CH2 double bond CH हम इस तरह से कर देंगे और इससे कोई हेलोजन ग्रुप अटैच कर देंगे, ये विनाइल ग्रुप हो जाता है विनाइलिक हैलाइड, ध्यान रखिए दिस इज विनाइलिक हैलाइड, तो हम क्या इसे विनाइलिक साइनाइड भी कह सकते हैं, यहाँ पर CN अटैच कर सकते हैं, यहाँ पर हमने विनाइलिक
हमने टू ग्रुप की स्टडी यहां पर की, एलाइलिक एंड जस्ट ए विनाइलिक हैलाइड्स। ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, हम एल्किल हैलाइड में ही कुछ टाइप में चल रहे हैं और यहां पर हम इनकी स्टडी कर चुके हैं और कुछ जानकारी नॉलेज और देते हैं आपको, देख लीजिए अच्छी तरह से। हाँ आगे अब थोड़ा सा हम हेलो एरिंग्स के ग्रुप में भी आपको जानकारी देंगे इसके टाइप्स में। तो एक होता है वेंजालिक हैलाइड, वेंजालिक हैलाइड इसमें क्या होता है, हम बेंजीन ग्रुप बनाते हैं बेंजीन इस तरह से, और बेंजीन पर CH2 से यहां कोई ग्रुप हम ऐड करते हैं, दिस इज वेंजालिक हैलाइड। और एक होता है आपका एरिल हैलाइड, एक होता है एरिल हैलाइड। दोनों में डिफरेंस क्या है कि दोनों में बेंजीन रिंग होता है ग्रुप, क्योंकि एरिल ग्रुप आ रहा है ऐसे, और डायरेक्टली यदि इससे एक्स अटैच हो रहा है दिस इज एरिल हैलाइड और दिस इज वेंजालिक हैलाइड। आज हमने इसमें देख लीजिए अच्छी तरह से, तो इस वीडियो में हमने मोस्टली क्या है इंट्रोडक्शन ऑफ हेलो एल्केन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ हेलो एरिंग्स के बारे में समझा, डिफाइन द हेलो एल्केन एंड डिफाइन द हेलो एरिंग्स। याद रखिए पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कन्वर्जन में जबरदस्त जो हेल्प करते हैं वो हेलो एल्केन नहीं है, यहीं से कन्वर्जन की ओरिजिनेट होती है और लास्ट तक हम पहुंचते हैं। इसीलिए इस एक्सरसाइज को, इस पॉइंट को, इस यूनिट को बहुत अच्छी तरह से मेरे साथ स्टडी करें, बहुत स्मॉल स्मॉल वीडियोस में डिवाइड करके हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंप्लीट कराएंगे। तो प्लीज लाइक करें चैनल को, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। थैंक यू, नमस्कार।